ये हमारे शरीर में जो है पैर की बहुत बड़ी विशेषता है। हमारे शरीर में हाथ हैं, पांव हैं, मस्तक है, आंख है, नेत्र है जिसको कहते हैं, नेत्र है, मुख है, कान है, तो हाथ है, अंगुलियां हैं। उसी प्रकार हमारे शरीर में पांव है। पांव का बहुत बड़ा महत्व है। हम किस प्रकार चलते हैं, पांव के चाल से हमारे भविष्य की जानकारी होती है। हम किस प्रकार से कदम रखते हैं, हमारे कदम में कैसी आवाजें आती हैं, अगर उस तरह से हमें भविष्य का कथन पता चलता है। तो आपने कहा कि पांव के बारे में, तो सबसे बड़ी बात है कि शास्त्र में लिखा है, जिसके चरण जो है पसीने रहित तो हों, कोमल तलवे हों, जिनमें परस्पर अंगुलियां जो है मिली हुई हों, मनोहर लाल वर्ण के हों, सुंदर एड़ियां हों, और उनके उसमें से पांव से गर्मी अगर महसूस होता हो, तो वह जो है ऊंचे लोग होते हैं, ऐसे लोग राजा होते हैं, ऐसे लोग नरेश होते हैं, धनवान होते हैं। और जिनके पैर सूप के समान हो, यानी कि पीछे से छोटे और आगे से बड़े फैले हुए हो, वह दरिद्री होते हैं। जिनकी अंगुलियां आपस में सटी हुई हो, न हो आपस में मिली न हो, उनके बीच में ज्यादा फाक हो, ज्यादा वो हो सूप के समान हो, और तो वह रूखे हो, पीले वर्ण के हो, तो ऐसे लोगों को दरिद्रता का वास होता है, रोग होता है शरीर में। इन तमाम प्रकार की समस्याएं इन चीजों से पाई जाती है। जय श्री।